वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लाई हूँ एक मैजिकल हेयर ऑयल जिसको यूज करने से आपके हेयर की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ऑयली हैं या फिर ड्राई हैं या बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, इन सारे कॉजेस की वजह से आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है और इतना ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है कि हेयर थिनिंग होने लगी है और हेयर फॉल की एक कंडीशन ऐसी जाती है जब आप गंजापन का शिकार भी हो सकते हैं। तो अगर आपको गंजापन भी हो गया है, यानी कि पार्शियल एलोपेशिया या फिर एलोपेशिया एरेटा या फिर बॉल्ड स्पॉट्स हो गए हैं जो चटके टाइप के बन जाते हैं आपके बालों में, तो ये उनको भी पूरी तरीके से ठीक कर देता है। बट कोई भी चीज तब असर करती है जब आप उसको रेगुलरली यूज करें और ठीक से यूज करें। और एक मेन चीज और होती है कि आप कोई भी चीज या ऑयल या हेयर पैक कोई भी यूज कर रहे हैं तो वो आपको अपने बालों के अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए, यानी कि आपको अपने बालों का टाइप देखना चाहिए कि आपके बाल किस टाइप के हैं, तब आपको ये चीजें यूज करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको आपके हेयर टाइप के अकॉर्डिंग इस हेयर ऑयल को यूज करना बताऊंगी, जो कि आपको पूरी तरीके से इफेक्ट दिखाएगा। क्योंकि मेरे पास ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हम ये वाला ऑयल यूज कर रहे हैं या फिर हम ये हेयर पैक यूज कर रहे हैं, हमें फायदा नहीं हो रहा है। वो फायदा इसीलिए नहीं हो रहा है आपको क्योंकि आप अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग वो चीज यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ना ही आपका हेयर फॉल रुकेगा, ना ही आपकी डैंड्रफ ठीक होगी, ना ही आपके बाल खूबसूरत बनेंगे। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको जो ये मैजिकल हेयर ऑयल बताऊंगी, ये आपके हेयर टाइप के अकॉर्डिंग बताऊंगी। और इसमें मैंने 4 हेयर टाइप्स बताए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग मैंने बताया है कि इस ऑयल को आप कैसे यूज करेंगे। तो इसलिए मेरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, और हाँ, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, साथ ही जो जो चीजें मैं बताऊंगी उसी तरीके से आप यूज करिएगा तो आपको पूरी तरह से इसका फायदा दिखेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को तो आप देखिए ही, और उससे पहले मेरा आपके लिए क्वेश्चन है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपके बालों का कौन सा टाइप है, यानी आपके बाल किस तरह के हैं, ड्राई हैं, ऑयली रहते हैं या फिर बहुत ज्यादा डैंड्रफ रहती है या आपको पार्शियल एलोपेशिया हो गया है, जिससे कि आप मुझे चीजें बताएंगे तो मैं आपकी मदद कर सकूं। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके बालों का कौन सा टाइप है, या फिर आपको पता नहीं है तो ये भी लिखिए कि आपके बाल इस तरह के दिखते हैं तो मेरा कौन सा टाइप है, तो मैं आपकी उसमें मदद करूंगी कि हाँ, आपका ये हेयर टाइप है तो आपको ये चीज यूज करनी चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी चीजें तो आप देख लेंगे और समझ लेंगे और अपने बालों को खूबसूरत बना लेंगे, और उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको जरूर क्लिक करिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन क्लिक नहीं करेंगे तो आपको मेरी वीडियो की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। क्योंकि बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ही आपके पास नोटिफिकेशन आता है कि मैंने कोई वीडियो अपलोड की है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो में मैं जिस मैजिकल हेयर ऑयल की बात कर रही थी वो ऑयल है ये वाला ऑयल। ये है एक कलौंजी ऑयल जो कि होममेड कलौंजी हेयर ऑयल है, जो मैंने ये आपको बनाना सिखाया था, साथ ही यूज करना भी सिखाया था। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर यानी आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कि आपको बहुत ज्यादा इससे फायदा मिला, बट कुछ लोग के क्वेश्चन ये थे कि हमने यूज किया और हमें फायदा भी नहीं मिला। तो इसीलिए मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ, जो कलौंजी हेयर ऑयल है इसको आप अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग कैसे यूज करेंगे, क्योंकि कलौंजी में वो सारी चीजें होती हैं जो आपके बालों को चाहिए। और ऐसा माना जाता है कलौंजी गंजेपन तक को ठीक करने में 100% इफेक्टिव है। और मेरे पास ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि ये कलौंजी हेयर ऑयल जो आपने इन्फ्यूज्ड मेथड से बनाया है, ये सनलाइट के बाद ही बन पाएगा, यानी इसके लिए सनलाइट जरूरी है, तो हमारी कंट्री में सनलाइट नहीं होती है, या फिर ऐसा मौसम चल रहा होता है जहां पे विंटर है या रेनी सीजन है तो आप इस ऑयल को नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए मैंने आपका इसका एक और सॉल्यूशन ढूंढा है। मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद एक आपके लिए रेडीमेड ये कलौंजी हेयर ऑयल ढूंढा है जो कि 100% नेचुरल है, साथ ही कोल्ड कंप्रेस्ड है, और वो हेयर ऑयल है ये वाला हेयर ऑयल। ये हेयर ऑयल मैंने एक बॉटल यूज करके देख लिया है, मेरे बालों में जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम चल रही थी वो ठीक हो गई इस हेयर ऑयल से। तो ये हेयर ऑयल आप यूज कर सकते हैं, और साथ ही ये हेयर ऑयल कोल्ड कंप्रेस तो है ही, 100% नेचुरल भी है, और ये डायरेक्टली मैंने एक फैक्ट्री से मंगवाया है, यानी कि एक एक्सल कंबाइंस नाम की एक फैक्ट्री है
फैक्ट्री आउटलेट देते हैं अपनी, तो आप उसमें से सेलेक्ट करके अपने हेयर ऑयल्स आप ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि आपको डायरेक्टली आपके घर आ जाएंगे, वो भी 2-3 दिन के अंदर ही। तो इसमें क्या फायदा होता है, एक तो आपको जहां से आप ये हेयर ऑयल मंगाते हैं वो प्योर मिलता है, आपको पता है कोल्ड कंप्रेस्ड इस पे मेंशन है, साथ ही इसका रेट भी बहुत ज्यादा कम होता है। मार्केट में जो हेयर ऑयल मिलते हैं उनके रेट इतने ज्यादा हैं कि हम उन्हें खरीदने से पहले 10 बार सोचते हैं कि वो खरीदें या ना खरीदें। तो इसलिए मैं आपके लिए एक ऐसा हेयर ऑयल लाई हूं जिसका रेट भी कम है और साथ ही वो नेचुरल 100% प्योर है और जो आपके बालों को फायदा देगा। तो आइए देखते हैं ये ऑयल कौन सा है। ये है मैरिट ब्लैक कलौंजी सीड ऑयल, जो कि कोल्ड कंप्रेस्ड मेथड से बना है। मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि वो ऑयल यूज करिए जो कोल्ड कंप्रेस्ड हो। तो आप लोग पूछते हैं कोल्ड कंप्रेस्ड क्या होता है। कोल्ड कंप्रेस्ड मेथड वो मेथड होता है कि जो आप ऑयल निकालते हैं जिस टाइम, तो वो सीड्स के थ्रू निकलता है बिना किसी केमिकल और हीट के यूज किए बिना। तो उसमें जो ऑयल की क्वालिटी होती है, प्रॉपर्टीज होती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं। तो इसलिए हमेशा आप ये चेक करके खरीदा करें ऑयल की उस पर कोल्ड कंप्रेस्ड लिखा हुआ हो। और ये ऑयल 100% प्योर है, साथ ही ये फूड सप्लीमेंट भी है, यानी आप इसको खा भी सकते हैं। जब बताइए खाने की चीज में आप इसको यूज कर सकते हैं, तो लगाने के लिए तो बिल्कुल भी सेफ होगा ये। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इस ऑयल को एक बार ट्राई करके जरूर देखें। ये स्मॉल साइज में भी मिलता है, तो आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस पर क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं और अपने बालों को खूबसूरत बना सकते हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आप इस कलौंजी ऑयल को कैसे यूज करें अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग। बट फ्रेंड्स, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कलौंजी ऑयल में ऐसा होता क्या है कि हम उसे यूज करें। कलौंजी हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। कलौंजी का तेल यूज करने से हमारे झड़ रहे बाल रुक जाते हैं, ये हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है। गंजेपन का आप शिकार हो रहे हैं तो इसे जरूर यूज करें, क्योंकि ये बाल झड़ना रोकेगा, साथ ही आपके स्कैल्प पे नए बाल उगाने में काफी मदद करता है। इसमें हाई अमाउंट में फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो आपके बालों को सॉफ्ट और मॉइस्चराइज्ड रखते हैं, और ये हमारे सफेद हो रहे बालों को काला करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये बालों में पिगमेंटेशन को इंक्रीज करता है, जिससे कि सफेद बाल दोबारा से काले होने लगते हैं और इसे यूज करने से हमारे बाल काफी मजबूत बनते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं आपके हेयर टाइप के अकॉर्डिंग आप कलौंजी ऑयल को कैसे यूज करेंगे। आप चाहे तो होममेड कलौंजी ऑयल यूज करिए या फिर मार्केट वाला हेयर ऑयल यूज करिए, जो आपको ठीक लगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हेयर टाइप फर्स्ट की, जो कि है ऑयली और कॉम्बिनेशन हेयर। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ऑयली हेयर बहुत ज्यादा चिपचिपे होते हैं, ग्रीसी होते हैं और आपकी स्कैल्प भी हमेशा उसमें ऑयली लगती है। शैम्पू करने के तुरंत बाद भी आपके बाल बहुत ज्यादा चिपचिपे हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑयली हेयर में आपको ऑयल नहीं लगाना है, ऑयल लगाना जरूरी होता है। तो इसमें आपको लेना है 1 चम्मच कलौंजी ऑयल और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, इन दोनों को मिक्स कर लेना है, फिर आपको अपने इसको बालों में लगाना है। इस कॉम्बिनेशन को लगाने से आपके बालों में हेयर लॉस, डैंड्रफ या फिर हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको इस ऑयल को वीक में कम से कम 1 से 2 बार लगाना है। चाहे तो आप शैम्पू करने से 1 घंटा पहले लगाइए, फिर शैम्पू कर लीजिए, या फिर आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। अब आते हैं टाइप 2 हेयर टाइप पे, जो कि है ड्राई फिजी हेयर। ड्राई फिजी हेयर बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई देते हैं, रूखे होते हैं, जब आप उन्हें टच करते हैं तो बहुत ज्यादा ड्राई महसूस होता है। तो इनमें ऑयलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मॉइस्चर नहीं है आपके बालों में। इसके लिए आपको क्या करना है, 1.5 चम्मच कलौंजी ऑयल लेना है और उसमें सिर्फ 0.5 चम्मच कैस्टर ऑयल डालना है, यानी अरंडी का तेल। ये बहुत ज्यादा अच्छा ऑयल बन जाएगा अगर आप इन दोनों को मिक्स करके अपने बालों में लगाएंगे। ये आपके ड्राई फ्रिजी हेयर को बिल्कुल ठीक कर देगा, सॉफ्ट और मैनेजेबल बना देगा। साथ ही अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है वो भी रुक जाएगा और डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। ड्राई हेयर के लिए आप कम से कम वीक में इसको 2 से 3 बार लगाएं और ओवरनाइट के लिए रखें, और फिर दूसरे दिन आप अपने बालों को धो लीजिए। अब आते हैं टाइप 3, जो है नॉर्मल हेयर टाइप। नॉर्मल हेयर वो हेयर होते हैं जो कि ना ज्यादा ड्राई हैं, ना ज्यादा ऑयली हैं, वो बीच के हैं, और इनमें सबसे कम हेयर फॉल और हेयर डैंड्रफ की प्रॉब्लम आती है, बट इनको भी जरूरत होती है हेयर ऑयलिंग की। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको यूज करना है 1 टेबल स्पून कलौंजी ऑयल प्लस 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल। इन दोनों ऑयल को मिक्स करके आपको अपने बालों पे लगाना है, मसाज करनी है,
फिर आप चाहें तो एक घंटे बाद शैम्पू कर लीजिए या फिर ओवरनाइट के लिए भी आप रख सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने से आपके हेयर की जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। अब आते हैं टाइप 4, जिसमें मैंने इंक्लूड किया है हेयर थिनिंग और बॉल्डनेस, यानी कि आपके बहुत ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल होने के कारण बहुत ज़्यादा बाल गिर गए हैं और आप धीमे धीमे गंजेपन का शिकार होने लगे हैं, या फिर आपको पैचेस हो गए हैं, बॉल्ड स्पॉट्स हो गए हैं। तो इनको आप कलौंजी ऑयल यूज़ करके कैसे ठीक करें? आपको क्या करना है, आपको रोज़ यानी कि डेली कलौंजी ऑयल उस एरिया पे लगाना है जहाँ पे आपको पैच हो गया है या फिर आपको हेयर थिनिंग हो गई है। तो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों बाद वहाँ से आपके नए हेयर उगने शुरू हो जाएंगे। तो ये कलौंजी ऑयल बॉल्डनेस को भी दूर करता है और जो आपके एलोपेशिया एरेटा है यानी पार्शियल एलोपेशिया है उसको भी ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आ रही हो तो बहुत सारा लाइक कर देना, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना, जिससे मेरी वीडियो शेयर हो सके और उनको फायदा मिल सके। और हाँ, अब आप मुझको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और ज्यादा अपडेट्स के लिए, तो जल्दी जल्दी मुझे वहां फॉलो करो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना कर सको। मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।